أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب هذا الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر وخد الأنوار وجبين الأزهر ونسب الأطهر وحسب الأشهر مولانا وسيدنا ونبينا جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذلولين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مولا جمعي بحسنی جے سیدت النساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جی ولادت با سعادت جی مبارک باد کہاں تو یقیناً ذکر उन शहजादी जो आ बहु रसूल रसूल जड़ी आ शहजादी जन शहजादी के रिश्तन के हिसार में ऐसे तो सब रिश्ता मासूम था नजर अचन पुटन ते निगाह पे तो पुट मासूम घरवारे ते निगाह पे तो घरवारो मासूम जन बाबे ते निगाह पे तो बाबो मासूम यानी जेका इस्मत जे उन दायरे जे अंदर आ जो चारों तरफ जेकर निगाह अथव धमूं त किथां नबूअत थी नज़र अचे किथां इमामत थी नज़र अचे किथां रिसालत थी नज़र अचे किथां विलायत थी नज़र अचे उन शहज़ादी जो तस्करो आहे जंहिंखे ख़ालिक काइनात जो रसूल आवाज़ ॾींदे चए थो अल फातिमा बग़अतु मिन्नी फातिमा मुस्तफ़ा जो हिसो आहे फातिमा मु मुस्तफ़ा जो जुज़ो आहे फातिमा मु मुस्तफ़ा जो हिसो आहे हीअ रूही फातिमा उहा आहे रूही मु मुस्तफ़ा जी रूह आहे रूह जो मतिलबु छा आहे जॾहिं पैगंबर इस्लाम खां यहूदी ऐं बाक़ी मज़ाहिब वारा पुछनि था की इहा रूह छा आहे हिन रूह जी ताक़त छा आहे ख़त्मी मर्तबत खे ख़ालिक चए थो यस अलूनक अन रूह ऐं मुंहिंजा हबीब आहे तोखां अगरि रूह जे बारे में पुछनि त हिननि खे चओ कुल रूह मिन अमर रबी रूह मुंहिंजे अमर मज़ा हिसो आहे रूह मुंहिंजे अमर मज़ा ऐं ख़ासि हिसो आहे फरमाईंदा आहिनि मतिलबु आहे त रूह उहो आहे जंहिंसां इंसान जी ज़िंदगीअ जो दारो मदार आहे टे लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदा आहिनि बदन जिस्म जसद बदन चवंदा आहिनि गर्दन खां अलावा जेको हिसो अचे पूरो जिस्म जो हुनखे बदन चयो वेंदो आहे ऐं पैगंबर जॾहिं अचनि था त छा था चवनि ऐं मुंहिंजी न्याणी मां पंहिंजे बदन में महसूसु थो कयां ज़ौफ़ खे फी बदनी ज़ौफ़ा पंहिंजे बदन में ज़ौफ़ थो महसूसु कयां फरमाईंदा बदन उहो आहे जेको गर्दन खां अलावा आहे जिस्म चवंदा आहिनि जंहिंमें गर्दन बि शामिलु थिए टियों मर्तबो आहे जसद जसद हुनखे चइबो आहे जंहिंमें जान न हुजे जंहिंमें रूह न हुजे उहो जसद आहे हथा की जिस्म जा तमामु जेके हिसा आहिनि उहे मौजूदु आहिनि अखि बि मौजूदु आहे कन बि मौजूदु आहिनि सीनो बि मौजूदु आहे दिलि बि अंदरि आहे पेर बि आहिनि हथ बि आहिनि इहो जसद जेको आहे हू बहू जिस्म जहिड़ो त आहे पर इनखे चऊं था ॾिस त उहो ॾिसे नथो चऊं था ॿुध त उहो ॿुधे नथो कंहिं सियाणे खां सुवालु कयोसीं असां जहिड़ो जिस्म थो रखे असां जहिड़ी अखि थो रखे असां जहिड़ो कन अथसि असां जहिड़ो जिस्म तमामु आज़ा मौजूदु अथसि कोई ॻाल्हाए छो नथो ॾिसे छो नथो इनखे इन जा कन ॿुधनि चो कनि था हुन चयोसीं मसालो इहो आहे जिस्म ज़ाहिर जसद आहे पर हिन में रूह कान्हे का
جیسی تے روح نہ آئے نہ کنگ کمائیندو نہ اکھیں جڑی کمائیندی نہ جسم آزاد جترا یہ کم نہیں دا جس تے روح کونے سائیں دمر جاجن کو پوچھو دی قبلا پیا روح رہندی کتے آ توجہ تو چاہیں یا روح کتے رہندی آ مکے سائیں جدے جسم میں رہندی آ مو سوال دہرایو مجھے قبلا یا جسم دے کیڑے حصے میں رہندی آ اکھ میں آئے یا روح اکھ میں رہندی آ سائیں جن اکھ میں نتی رہے جسم میں آئے اکھ میں ان جو وجود موجود ہے مجھے سائیں پیا روح ساگی کنن میں آئے جی ہاں کنن میں آئے مجھے سینے میں آئے جی سینے میں آئے مجھے پیرن میں آئے جی پیرن میں آئے مجھے سائیں روح ہکڑیا بدن دے ہکڑے حصے میں موجود ہے بدن دے ہکڑے حصے میں موجود ہے مجھے سائیں نظر نہ تھی اچے بدن جا سب حصہ دے نظر اچن پیا یا روح نہ کہیں ایندے رٹھیا نہ کہیں ویندے رٹھیا نہ کہیں ایندے رٹھیا نہ کہیں نکرندے رٹھیا مکے سائیں جن چندا یا آہے خائب پر سجو جسم ہلائے پی رکو تے کرو جملو اور سیا جدے ہیتری ننڈڑی روح ان ننڈڑے بدن جی تمام والے عالم اکبر کے علائے سگی تھی جا غائب امام کائنات کے تو یا روح فرمائیں ان روح جو کمال چاہے ان روح جو کمال یہ وادی کن کم کن پیا جسم کم کرے پیو یہ اکھ کم کرے پئی کن کم کن پیا سینے میں دھڑکن دل کم کرے پیو جو معاملہ اور روح پیغمبر کم پیا یہ روح ہی بہن چمبے فاطمہ موجی روح فاطمہ موجی روح یعنی مصطفیٰ جا جیترا بھی کمالات ہیں ان کمالات جی زندگی جو نالو فاطمہ آئے فاطمہ رسالت جو نالو فاطمہ نبوت جو نالو فاطمہ عصمت جو نالو روحی فاطمہ مجھے روح الفاطمہ بزعت منی پانا فرمائے تھے فاطمہ مجھے جزو غور کندو فاطمہ مجھے جزو مجھے حصو آیا ایڑو حصو لنفق ینفقا لا ینفقا ابن ان مجھے کیڑو ایکڑو ایڑو جنی جدا تھنسا کو فرق چے ایکڑو ایڑو جنی جدا سنسا فرق نہ چے توجہ تو چاہیں ایکڑو ایڑو جزوا جن جدا تھین دا فرق اچے ایکڑو ایڑو جزوا جن جدا تھین سا فرق نہ اچے آیا جزے لا ينفقا جزے ينفقا کیڑو جزو کیڑو فاطمہ الفاطمہ تو بغت منی فاطمہ مجھے حصہ وا فاطمہ مجھے جزوا غور کندو مجھے جسم مجائی دے کے آزان ہتھ موجو وا انہیں میں آنگریوں موجیوں ہن خدا نہ خاستا کا آنگری وڈ جی پئے کٹ جی پئے آئے مجھے جزو جے کرے کٹ جی پئے تو مجھے فرق نہیں دو توجہ تو چاہیں مجھے جسم دے کو فرق نہیں دو مجھے ذات دے کو فرق نہیں دو مجھے جسم میں ظاہر نکلو عیب نظر ہی دو تو آنگری جدا ہے پر مجھے جسم میں فرق نہ دو مجھے حیات میں فرق نہیں دو پر جے کرے مجھے ان جسم جو جزو ہے مجھے گردن جدا تھی فرق تئی دو پر حیات میں نہ رہندی خدا جو رسول جدا فاطمہ مجھے جزو ایڑو جزو نہ ہے جے کوئی جدا تے تو فرق نہ جے فاطمہ جدا تھی دین باقی رہی دو نہ مجھے نبوت باقی رہندی نہ مجھے رسالت لا ينفق ایڑو جزا جن جز جے جدا تھن دا غور کندو الفاطمہ تو بزعت منی فاطمہ مجھے حصہ آ فاطمہ مجھے جزو آ پچھن وارن کا پچھو دی یہ کیڑو حصہ آ فرمائندہ ایڑو حصہ پیغمبر دا کرا جن جے جدا تھن دا امت عالم کائنات میں جے کرے فاطمہ کے جدا کرن دی کوئی کوشش کرے فاطمہ کے پیغمبر اسلام کا جدا کرنے کی کوشش کرے پر خداوند عالم انتظام اڑو کہو سیدہ جو ہر مقام تے تذکرو ان انداز سا کرایا یہ ایام فاطمیہ دے کیسا تا گزاریا یعنی 13 جماعت الاولا کھا وٹھی کرے جے کہ سلسلہ ہلے پے تو جناب سیدہ جو ذکر چھائے یہ جو کو ذکر کمی پہ چھا اسام مولانا محمد علی صاحب سائیں ظفر شاہ بزرگوار یہ جیتران چھا انن جے وسیلے سائیں ذکر تو لے اسامی یہ جرت نے طاقتا جو اسا دا مجلسوں کرائیوں نا خدا جو منصوب ہوا
खुदा जो मंसूबो जिक्र फातिमा थे इन अंदाज से हर मुख्तलिफ मकाम ते इन साल ते इन अत्ते बुजुर्ग दोस्त फरमाइंदा उन उन जायन ते जिन जायन ते जिंदगी में कदे मजलिस न थी जिते जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद न थो करे उन जायन ते सैयदा की मजलिस थी यो वजूद बाबर कदे सैयदा है खुदा इंतजाम तो करे तो सैयदा जो दुनिया के कुंड कुंड में तस्करो थे हर जाय ते सैयदा जा फजाइल पढ़िया वन सैयदा जो मकाम पढ़े वन छाए मकाम सैयदा जो इमाम अली मुसलात व सलाम इरशाद फरमा मन अरफहा जे को फातिमा के सुनाने दो अरफहा फातिमा के सुने वलम यअरफहा जे को फातिमा जी मारे बंद ना तो रखे सुनाने ये फातिमा है फरमाएं था उनके मारिफत हासिल करन गुर्जे तो फातिमा है केरा फातिमा ही है इब्न बिंत मोहम्मद मुस्तफा फातिमा हुआ है जेका पैगंबर की न्याणी है फातिमा हुआ है जेका पैगंबर की न्याणी है खुद पैगंबर इस्लाम जी हदीस इमाम जाहिर दा कन फरमाएंदा मन अरफ फातिमा जे फातिमा सुनाती फकत अदरक लैलतुल कद्र जे सैयदा सुनाती उन लैलतुल कद्र डिठी गौर कर जे फातिमा सुनाती उन लैलतुल कद्र डिठी जे फातिमा जी मारिफत हासिल कई जे इरफाने फातिमा हासिल कयो फकत अदरक लैलतुल कद्र या अल्लाह छा समे मारिफत जी सकत आए समे मारिफत जी कुवत आए असा वटे ती ताकत आए जो सैयदा जी मारिफत हासिल कयो आवाज करे जी न कमा हकहु जेड़े अंदा सा फातिमा जी मारिफत जो हक आए यकीनन बशर जे वस जी गाल ना है जो फातिमा हासिल करे सके कुरान नफ्स के झंझोणी तो चे ममा अदराक मा लैलतुल कद्र तो के खबर ही ना है जो लैलतुल कद्र छाए इमाम को सवाल के मालिक लैलतुल कद्र छाए फरमाइंदा ने लैल मा मुराद मुजी दादी या कद्र मा मुराद जाते खुदा खुदा जी फातिमा ने वो सनीगा ना जो तू समझी बो मन अरफ फातिमा जय फातिमा सुनाती गौर कर जय फातिमा सुनाती कने कने सा इतराज कने चंदा सही पहरे तो ये न हो जो सैयदा जो मजलिस एतरू थन सैयदा ने मिलाद एतरा थन ई 13 जमात उला का वटी 3 जमात सानी मुसलसल ता मजलिस सैयदा जो मजलिस उन दे ला जवाब आ खुद इन लैलतुल कद्र जे इन दायरे जे अंदर फरमाएं दा मन अरफा जे फाद मन अरफा फातिमा जे फातिमा सुनाती फकत अदरक लैलतुल कद्र उन लैलतुल कद्र के दिठो छा थिंदो आ मालिक को पुछो मौला लैलतुल कद्र अगर दर्क करनी है लैलतुल कद्र के सुनवा तब केड़ी आ रात आ लैलतुल कद्र जी उणी जी रात आ 21 जी रात आ 23 जी रात आ मुजा अल्लाह पैगंबर इस्लाम के जमाने में ये टई रातू जादर थियो इन ट्रेन रातन के लैलतुल कद्र चे दो ने लेकिन इन ट्रेन मजा एकड़ी रात आ इन ट्रेन मजा एकड़ी रात आ का एकड़ी रात मुंतखब कयोवा 11 मासूम 12 मासूम पया गुदरियान को हिकड़ो मासूम मुंतखब करे वने मुतअय्यन करे आ तो फला तारीख या फला तारीख 23 या 19 या 21 या का हिकड़ी तारीख लेकिन हिकड़े पुछण वाले पुछो मौला इन टिन रात में मुंतखब तो कयो मुतअय्यन तो कयो तो तारीख केड़ी आ जका लैलतुल कद्र आ जका हजार महीनन का अफजल आ जे रात ते सलामती जा फरिश्ता दा जन जे में दुआ कबूल थी थन जे में उम्र लिखियो थी वन जे में रूह अचे तो फरिश्ता चंदा या केड़ी रात आ पैगंबर जे जानशी ने शाह फरमाईंदे फरमायो छा भलो ना है तो कई रातों में खुदा की बारगाह में अच भलो ना है तो बार बार खुदा की बारगाह में ताकि तो लैलतुल कद्र दर्द थी पे यानी मान सो 40 दिन की रिवायत वरी 75 दिन की रिवायत वरी 95 दिन की रिवायत यानी खुदा जो मंसूब हुआ कि तीन रातों में लैलतुल कद्र को जो तीन तारीख में फातिमा ने मारे बता सो 40 दिन में बचो 75 दिन में बचो 95 दिन में बचो ताकि ताके मारिफत फातिमा थे केरा फातिमा इरफान फातिमा छाए फरमाइंदा गौर कंदो जनाब पैगंबर इस्लाम बाद अल अय्याम खुद साइन बाद औकात बाद वक्त मुझे बाबा मुझे दरवाजे ते दक्कुल बाप करे तो अस्सलाम अलैक ए फातिमा मुझे सलाम हुजे व अलैक सलाम या अबता बाबा मुझे सलाम हुजे फरमाइंदा ए मुझा फर्जंद मां महसूस तो कया ए मुझी न्याणी
मां महसूस तो कया बजे पंजे बदन में ज़ौफ आ, मुझे बदन में कमजोरी तो महसूस कया, लिहाजा ईती नी मिलके साहिल यमानी फातिमा वो चादर खणिया, जका यमानी चादर आ, वो चादर खणिया, वो चादर खणी पैगंबर इस्लाम जी न्याणी, वो चादर खणी आई। गौर कंदो फरमाइंदा जने पैगंबर ता जिन फी बदनी ज़ौफा, मां पने बदन में ज़ौफ तो महसूस कया, जिस्म इस्तेमाल न कयो बदन इस्तेमाल कयो, छो त इन बदन में सिर शामिल कोने को। जी पैगंबर पहिरें मरहले में समझाए तो मता के जो दिमाग खराब थे तो पैगंबर भी फुलंदो पहिरें मरहले में मुझाए पे बदन में जोर आए दिमाग में जोर थी न तो बदन पैगंबर फी बदनी ज़ौफा, मुझे बदन में ज़ौफ आ। या रसूलल्लाह अगर ज़ौफा अगर कमजोरी आ अगर का तकलीफ है या तो पहिरें मरहले में पंजे घर वनो, अगर घर न था वनो न घर वाली मौजूद है पने घर वनो ताकि आसाइश मिले आराम मिले आसानी दे ताजलाए। अगर उन तरफ न था वनो तो या के मुआलिज वन वनो डॉक्टर वट वनो के हकीम वट वनो के तबीब वट वनो का दवा वठो को दारू वठो काशे वनी खाओ ताकि ताजो ज़ौफ खत्म दे ताकि कमजोरी खत्म दे। पैगंबर फरमाइंदा फी बदनी ज़ौफा, मां पने बदन में ज़ौफ तो महसूस कया लेकिन इन में न के हकीम के दरवाजे ते न के तबीब के दरवाजे ते न के डॉक्टर के दरवाजे ते न के दवा देने वाले के दरवाजे ते वनो तो फातिमा के दरवाजे ते। यो दरवाजो को पांचे लाए न मां ता के दरवाजो दिखाया तो मुश्किल है जे कमजोरी है जे परेशानी है जे दर बदन न थे तो फातिमा के दरवाजे ते। इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफा, ए मुझा फर्जंद मां ज़ौफ तो महसूस कया, फी बदनी बदन में मुझे ज़ौफ आ। छा कया फरमाया ई तीनी बिल्कि साहिल यमानी फातिमा पुट यो चादर खणी आ आकाजादी वो चादर खणी पैगंबर इस्लाम वो चादर पहन का बाद आराम था का लेटन था। जडे कायनात जो रसूल आराम तो करे लेटे दो थोड़ी देर का इदा साअतन जगह हदीस किस्सा शब जुमा पढ़ो था उन्हें खबर आ सा थोड़ी देर गुजरी साअतन इजा साअतन थोड़ी देर थोड़े वक्फे का पो फरमाइंदे एकड़ो फर्जंद आयो दरवाजो खोले अंदर दाखिल दीजे तो अस्सलाम अलैकि या उम्मा अम्मा मुझे सलाम हुजे व अलैक सलाम या वलदी व या कुर्रत आईनी व समरत फुआदी ऐ मुझे अखियां जा नूर ऐ मुझे दिल जा ठार मुझे सलाम हुजे या उम्मा इन्नी अशम इंदक रायहतन तैयबा अम्मा मां महसूस हो गया मुझे घर में मुझे बेड़े में मुके पने नाते की खुशबू भी महसूस है अम्मा मुके नाने की खुशबू थी अचे। हाँ पुट चादर में तुझे नानो आराम तो करे हसन उतां का चंदा ए नाना मुके इजाजत दो था मां इन चादर में दाखिल थिया पैगंबर इस्लाम फरमाइंदा हालिया पुट ए साहिब हौजे कौसर अचो फरमाइंदा चादर खणी हसन अंदर दाखिल थियो हसन जे दाखिल थियण खां पो जनाब इमाम हुसैन इजा साअतन थोड़ी देर खां बाद हुसैन आयो या उम अस्सलाम अलैकि या उम्मा अम्मा मुझे सलाम जे व अलैक सलाम या वलदी व या कुर्रत आईनी व समरत फुआदी ऐ मुझे अखियां जा नूर ऐ मुझे दिल जा ठार ऐ मुझे दिल जा मेवा मुझे सलाम जे या उम्मा इन्नी अशमु इंदक रायतन तैयबा अम्मा मां महसूस तो कया मुके घर में पने नाने की खुशबू थी अचे। गौर कंदो मुके मुझे नाने की खुशबू थी महसूस अचे तवज्जो कयो माने के तब्दील कया फरमाइंदा पैगंबर जो पहरो फर्जंद आयो आ फर्जंद सहारा तो चे अम्मा मुके नाने की खुशबू थी अचे सलाम कई सलाम जो अंदाज बियो शाहजादो आयो सलाम एकड़ो अंदाज एकड़ो गुफ्तगू एकड़ी आया इमाम हसन इमाम हुसैन जा गद आया न हदीस बुधाए भी इजा सातन थोड़े वक्फे में आया पंज मिंटन जो वक्फो दह मिंटन जो वक्फो वी मिंटन जो वक्फो एकड़ो इमाम बे इमाम का बाद आयो यानी गद ना आया लेकिन लफ्जन ते गौर कयो तो लफ्ज बिरन जा एक जेड़ा जेके पेरे इमाम जे लफ्जन सागा बे इमाम जे लफ्जन गद में ना इन फर्क आ दुनिया चंदिया बिन इमाम में फर्क हो एकड़ो सुलह पसंद हो एकड़ो तलवार पसंद हो एकड़ो सुलह पसंद आ एकड़ो तलवार पसंद आ जंग पसंद आ फरमाइंदा हर किसी ये ना है जने इते लफ्जन में फर्क ना है इमाम बुदे पे याद रखो असा जे को लफ्जन में फर्क ना है इमाम मसलियत रिसंदो आ जे को जमाने की जरूरत आ कलम
असानी गुफ्तार में फर्क आ ना असानी रफ्तार में फर्क आ आया नाना मुके इजाजत दियो वअलैक सलाम या वलदी वया शाफी उम्मती ऐ मुजी उम्मत या शाफे हुसैन मुजे सलाम दे बाबा नाना मुके इजाजत दियो था या जत्ता मुके इजाजत दियो मां अंदर चा फरमांदा छो चादर खई वई चादर जे अंदर हुसैन बायो जनाब इमाम हुसैन जे दा साथम थोड़ी देर गुजरी कायनात जो अमीर फजाइल जेंदो तवाफ कन वो अली अंदर दाखिल थे अस्सलाम अलैकी या बिन्त रसूलुल्लाह ए कायनात जे रसूल जी अजीम न्याणी मुजो सलाम व अलैक सलाम या अमीर अल मोमिनीन व या अबल हसन ए हसनैन जा बाबा ए कायनात जे मोमिनन जा अमीर मुजो सलाम जे फरमाईंदा इन्नी अशमु इंदके ए फातिमा मैं महसूस तो कहें तुझे नजदीक खुशबू तो महसूस कहें कैड़ी खुशबू इब्ने अम्मी व अखी पंजे भाजी पंजे चाचे के पुट जी खुशबू तो महसूस कहें फरमाईंदा मां वलदई कफी तहतल के साथ बिनन ताजे फर्जंदन सा चादर तहीर में मुझे बाबू आराम दो रहे वलिन जो सरदार वलिन जो सरदार उते आयो जिते बिन नवासन के पनी झोलिए में सुमारे नबी जो सरदार लेटे लो नबी जे सरदार के वलिन जो सरदार तो जे अस्सलाम अलैकुम ए मुजा कायनात जो सरदार नबी मुजो सलाम दे इजाजत दियो था मां अंदर अचा अचो अली चादर खणी अली बायो हां साइन रिवायत करे थोड़ी देर के बाद मां मुजो बाबा मुके इजाजत दियो तमाम चादर में दाखिल थिया गौर कंदो ए मां खिताब जी रूह सांस कया खालिक जी ये अजीम हस्ती कनीज खुदा जने चादर जे बैठे आई ए इजाजत घुरी अजब ना है खुदा चयो जे फातिमा भले चादर में मोहम्मद अचे भले चादर में अली अचे भले चादर में हसन अचन अज जी महफिल तो का सिवा अधूरी आ अज जी महफिल सजाई तो जे लाई वई आ चादर में अंदर दाखिल थी पैगंबरत कह اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لهم ولامي ودمهم دمي يعلم ما يعبد ما يحضر انا حرب لمن عرب مسلم لمن سالم عدو لمن عداه ومحب لمن اعطاه منهم مني وانا من فجر صلواتك وبركاتك ورحمتك وبركاتك देखो रिजवान अलैहि वालेहि वाले मन मुरम सवता हरहुम ततहीरा फरमाएंदा मुझे अल्लाह मुझे अहले बैत ये मुझे खास ये मुझे हामी ये इनन जी जंग मोजी जंगा इनन जी सुलह मोजी सुलह हे मुमजान मा हिनन मजा सलावत हिनन दे लाए बरकत हिनन दे लाए रहमत हिनन दे लाए यानी कायनात रसूल बुधायन चाहे पियो जेको हिनन जो आ वो मोजो आ जेको हिनन जो ना वो मोजो थीन दो اے مجھا اللہ مجھا اہل بیت یہ چوندا یہ گفتگو نہ تھے بھی کہ چادر جو پاں لڑ کھنی پیغمبر کے جو یا رسول اللہ اے کائنات رسول اجازت دے تے ماں بھی چادر میں داخل تھا پیغمبر جو انتے عل الخير تو خیر والی آہی چادر میں اچن دے لائق نہ ہے چادر جو مرحلہ دے انتے آ جملہ چوا بھئی جڑے خیر والی چادر میں داخل نہ تھی لگے شر والی چادر میں خیر والی کی اجازت نہ ہے فرمائن تھا پیغمبر اسلام جی نیانی اندر داخل تھی اللہ اعلان کرو مجا اے سکان سماواتی اے آسمان تے رہن والی مخلوق انی ما خلقت سما مبنیت ولا ارض مدیت ولا قمر منیر ولا شمس مدیا ولا فلک یدور ولا بحر یدری ولا فلق یسری لا کی محبت ہا اولائے خمسہ مو آسمان کے سجایو ہنن دے کرے مو ستارن کے طاقت توانائی ہنن دے کرے نی مو سج کے روشنی ہنن دے کرے نی مو چندر کے چمک ہنن دے کرے نی مو پانی ہنن دے کرے بہایا ان پانی دے مٹھا مو کشتیوں ہنن دے کرے ہلایو کائنات میں جے کو کچھ آہے اے پنج آہن دا آہے जेको कुछ बनायो आ हन जे करे इनो मतलब आ कुछ अपराध एड़ा हन पानी हन जो सदको आसमान हन जो सदको जमीन हन जी सदके भई जे जो सदको खायबो आ उन जो गायबो आ नी खिलाफत नाए कभी इनो खाए जे उन जो गाए जे हायदरी हायदरी मते जनाबे सैयदा बुलंदतर सलावत
انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارض مدیتا ولا قمر منیرا ولا شمس ما چندر کے طاقت ہے قوت جکا جمکن جری نیا ہو ہنن جے کرے مو سج کے جکا اتری توانائی بار روشنی نیا ہو ہنن جے کرے مو جکے مزاج بنائے ہو ہنن جے کرے مو جکو زمین کے طاقت ہے قوت نی جو کائنات جو بوجھ کھنی سکے ہو ہنن جے کرے دعا مو آسمان جڑو عظیم شامیانو لگایا ہوا جے کے قسم جو کو پیلر نہ ہے وہ ہنن جی محبت میں بنایا ہوا جیکو کچھ آئے نا جی محبت میں آ کائنات میں جیکی صفات والی شیو خلق کئی ون یہ خلق کا جو مقصد ہے انہیں کو پوچھا تو چے اے آسمان تے رہن والی مخلوق زمین ہنن جے کرے آسمان ہنن جے کرے سج ہنن جے کرے ان سج کے روشنی ہنن جے کرے چندر کے چمک ہنن جے کرے کائنات جو جیکو جیکو وجود انسان جے لائے فائدے جو سبب اور فائدے جو ذریعو ہنن جی ذات کائنات میں جیکی جیکی انسان جی صحت جو سبب ان صحت جو نال محبت ہے تے بیٹا ہنن جی معرفت جو ذریعو جو کائنات خلق تھی یا جیکو کچھ بنایا تے ہنن جے کرے بنایا یہ تمام گفتگو تھی آسمان تے جنے کال کے کائنات یا گفتگو کرے پیو چوندا ایک فرشتے آواز نو کو معمولی فرشتہ نہ ہوو سید الملائکہ جبریل امین امین وحی جناب جبرائیل آواز کر کے تو یا رب و من تحت القسا اے مجا پالن ہار اے مکے خلق کنر خدا مکے سمجھے میں نہ تو جے چادر دے اندر کیرا اے مجھا پرور دے گا یا رب اے مجھا رب اے مجھا پالنہار رب ومن تحدل کی سائے چادر میں کیرا یہ چادر میں کیر پہ دوران جبریل کے اساں تاں عرض کیوں مجھے سائیں تو کہ سمجھے میں نہ تو اچے تو ہی تائیں جو کو فاطمہ جی چکی ہدائی دوئی تو ہی تائیں سیدہ جی پٹرن جلا جوڑا کھڑی ہے جی تو ہی تائیں جو کو درزی جا اعلان کرنوئی تو ہی تائیں جو کو انہی تحارت جا کسیدہ پڑھنوئی تو ہی تائیں جو سوال بار تھی نا مزان بدرگان استیار چھپرایو تو نبی موجب نالو سائن زفر شاہ جن جب نالو سائن زفر شاہ جن نا پڑھے بھی انہی شہر جو کنا مانو چاہتا سائن کیر پہ پڑھے توجہ مثال جام شہر جو کنا مانو چاہے تو سائن کیر پہ پڑھے اللہ کے سائن کے پڑھن دے دسے پہ ہو چیتے ہی کیر پہ پڑھے پاسے والے کے باہر لگا ہے تو کہ خبر نہ ہے جام شور میں تو نہیں توجہ تو چاہیں جام شور شہر میں رہیں دو سائیں مقبولیت رکھنے والی شخصیت اچھا سائیں ظفر شاہ جن کے نتو سنانے جام شور میں رہیں دو اچھا جے کرے جام شور دے حوالے سان نتو سنانی تو اختیار نہ ہوئے سیاں میں سائیں دی ایڑی تصویر لگل ہوئی وہ کو پوچھی دو خدا چاہے سان جبریل خبر نہ تھئی علی محمد حسن حسین فاطمہ اللہ کے باہر جبریل تو نہ تو سنانی تو کہ خبر نہ ہے چکی تو ہلائی فاطمہ ننڈر کندی تو جی چکیوں ہلائی ہوئی فاطمہ نے گھر جا کم کندی فاطمہ نے تو سنانی پیغمبر نے تو سنانی جلا ہے تو آئے تو علی نہ تو سنانی پیغمبر وٹ تے دیا میں ہکڑو دفعہ جی علی وٹ بد دفعہ جی علی کے تو سنانی اللہ پتہ جا قصیدہ علی جلا ہے حسنے نے کہ سنانی جنہ جھولا آلائی جنہ دردی تھی آئیں جنہ کپڑا کھڑی آئیں جبریل جو نانا
जेके बाइन को नबीन जो सरदार आ को बलिन जो सरदार आ को जवान ने जन्नत जा सरदार आ मदिसन चाया तो तारु कराया जलाए हेतरन सरदार में सरदारी के कैसी मिले तारु फजी सरदारी के कैसी मिले हेतरा हेतरन सरदारन में अरे सरदारी के कैसे मिले तारुफ जी सरदारी तारुफ कैसा खुदा छा जवाब या रब्बे वमन तख्तल किसा ऐ पालनार चादर जेठा केरा आवाज करची हम फातिमा व अबूहा व बादुहा व बनुहा फातिमा वा फातिमा जो बाबुआ फातिमा जा पुत्र है फातिमा जो घर वाला साईं मोहम्मद अली साहब किबला जन मौजूद हैं साईं को फायदो दा वठूं अल्लाह के असा ता सबनी का अरबी वधिक पे आई अल्लाह अगर चाया ते रखिया हम फातिमा अबूहा मोहम्मद मोहम्मद जो नालो अची सके पियो खुदा रखियो ना हो बालुहा अली अली अचे सके पियो खुदा रखियो ना बनू आज जगह ते अल हसन वल हुसैन इला इमाम जमाने सब जन नाला अची सकन पिया खुदा खुदा न रखया नाला नालो हिक असा वड जकी किताब पढ़ाई ने मंतिक जो ना के चबो हम इल्म मंतिक में तारुफ जको कराए पे जके मुअरिफ चबो जो हम मुअरिफ जनी तारीफ कराई थी ने जके जनी सुनाणप कराई थी ने जको तारुफ जो मौता आ जको तारुफ कराए पे वो वधिक रोशन होते अच्छा ते वधिक रोशन केरा अर्शते वधिक मुस्तफा रोशन आ फरमाया था अर्शते खुदावंदे आलम मुस्तफा के रोशन कयो आ इब्तदा अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी फरिश्तन का पेरे हने जो नूर हो फरिश्तन का पेरे ने तखलीक हुई कायनात में कुछ न हो मुस्तफा हो नूरे मुस्तफा हो जो बी असिया अली या तारु मुस्तफा सा थे या तारु अली सा थे खुदा के दो ने अगर अली सा तारु कबो खुदा चाहे तो खुद फातिमा जो तारुफ थे खुदा फातिमा जो तारुफ तो चाहे अज हैसियत इन हैसियत सा ना फातिमा पैगंबर जी न्याणी आ छो तो कने कने पी बा कमाल हुंदो आ औलाद में वो कमाल ना आयो मिसाल के वडे बुजुर्ग आलम जो को फर्जंद अचे कहे वो जी तारुफ करा मैं फला जो पुट आ भी फला जो पुट आ ठीक आ उन में कमाल आए ना तमा बुधायो ता में कड़ा कमाल है खुदा यो चाहे तो ना इन एतबार में ना सुनियान जी तो फातिमा मुस्तफा जी थी ना ना खुद फातिमा चाहे फातिमा जो मकाम मर्तबो चाहे खुदा चाहे तो ना अली के जरिए सा ना छोटे तो अली खुद इमाम आ इमामत जो ओहदो अली वत है अगर इमामत से तारुफ कयो विंदो तो इमाम जी घरवारी तब तहत शुआ नजर इनी फातिमा खुदा चलो तहत शुआ न तारुफ जो जरियो अली न हो जे अगर पुटन से तारुफ करायो तो हसनैन जी अम्मा कमाल ते आए पी जे एतबार में कमाल ते आ जौजा जे एतबार में अली जी जौजा है बा कमाल तारुफ आ खुदा बा कमाल तारुफ आए खुदा चलो न ना अली सा तारुफ थी दो ना हसन सा तारुफ थी दो ना आका मुस्तफा सा तारुफ थी दो खुद फातिमा सा तारुफ थी दो हम फातिमा फातिमा है या रसूल या रब्बुल इज्जत इच्छा मरा लो आका जो नालो खायो ने तारुफ जो ही हुआ तेरे को घर जो सब का बुजुर्ग हुए बड़ो हुए उन सा तारुफ थे चंदा ना ना अजे आका जे नाले सा तारुफ न थी दो अजे अमीर मोमिनी जे नाले सा तारुफ न थी दो अजे हसन हुसैन जे नाले सा तारुफ न खुद जाते फातिमा सा तारुफ थी दो तो फातिमा जो रिश्तो मुस्तफा सा रिश्तो रिश्तो फातिमा जो मुर्तजा सा रिश्तो रिश्तो फातिमा जो हसन सा रिश्तो रिश्तो अजे हिनन जो तारुफ भी अली जे जरिए सा फातिमा जो तारुफ न अली के सुनाणो फातिमा जे जरिए इन एतबार में ने फातिमा अली जी सोचा ना ना अली फातिमा जो घर वाला अली जी तारीफ फातिमा सा मोहम्मद जी न्याणी ने मोहम्मद फातिमा जो बाबू मुझे ता गाल छेड़ी
ई तीन ही मिलकर साहेड़ी मानी मुझे चादर आने में छा हो पैगंबर के इन्नी अजी तूफी बदनी जोफा मां महसूस तो कया बने बदन में जोफ के छा तो महसूस कया जोफ तो महसूस कया जोफ अजला जरूरी है के डॉक्टर वट बने हुजूर के हकीम वट बने के मुआलिज बने का दवा हो जाए को दारू हो जाए ताकि जोफ खत्म थे जोफ खत्म थन जा जेके कानून वो कानून वाली अपनायो ताकि यो जोफ ता जो खत्म दे पैगंबर जो ना मां को दरने खारण चाया तो जने मु कायना जे सरदार नबी के जोफ जे खत्म जो इरादो तो दे हजरत फातिमा दे दो जने मोजे लाए जोफ के खत्म कर जो जरियो करे फातिमा है ता के वो दर थोड़े कारा तो जने का कमजोरी अचे जने को जोफ अचे जने का तकलीफ अचे यो दर ना धरे फातिमा दे ले अचे अच्छा थियो छा पैगंबर इस्लाम वो चादर पाए ओड़े लेटी पे आराम कियो जने सुमन था उन्हें का पो इन्नी अजदू फी बदन जोफा मां कमजोरी तो महसूस कया इन पेरे जुमले का वटी रब्बिल काबा तई पूरी हदीस है किस्सा पढ़ी सो किते सोफ जो वरी को नालो निशान कोने इन एकड़े लफ्ज का पेरे लफ्ज का पो आखिर ते हल्या वने आखिर ते सोफ जो लफ्ज ही कोने इनो मतलब चादर ओढ़ी ने पैगंबर जो जोफ थियो गुम पैगंबर जो जोफ थियो खत्म छा घुरी चादर चादर में अड़ो कड़ो कमाल हो पैगंबर जो सोब खत्म थो पैगंबर जो सोब इन्नी आज तो भी बदन सोफा ई दीनी मिल के सारी अमा फातिमा चादर खनिया चमना फातिमा फला दवा फला शय खनी जो ताकि सोब खत्म थे चमदा ना ना फातिमा जी चादर घुरजे हेलो हम चौथे इमाम की खिदमत में सही फे में इमाम फरमाएंगा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफुन कब्बनी बिरज़ाक ऐ मुझे परवरदिगार मां सही थी वहां मुझे ताकतवर कर पांजी रजा सा ऐ मुझे परवरदिगार इन्नी ज़ईफुन मां सही थी चुको हां मुझे पांजी रजा सा ताकतवर कर पैगंबर के तो बदन में ज़ोफा खत्म जला चादर दे मना ज़ोफ के खत्म कर ला जे को चादर जो मकाम आवो खुदा दी रजा दे होगा चमन वालों मासूम माशाल्लाह ऐ मुजा परवरदिगार जे को रिजाए खुदा जो मकाम वो चादर ज़हरा जो मकाम छा चयो पैगंबर मुके ज़ोफ तो महसूस थे मुके चादर आणी मिली अच्छा चादर में को इलाज आ चादर में आए छा चादर जे पाइण खां पो रब्बिल काबा तई वरी न ज़ोफ आ न परेशानी आ न का तकलीफ आ न दुख आ रब्बिल काबा उने का पो मुस्तकिल खुशी जी गाला फजाइला कमाला मोमिन जी दुआ जी कबूली जी जमानत आ ज़ोफ जी गाली काने का छोटे तो इलाज जा बचार किस्मन पुराना मुअल्लिक चंदा इलाज जा कुछ किस्मन इलाज बिल बिशर्ब इलाज पीण था थी कुछ दवाई पियारी हुई थी अल इलाज बिल अकल खाण जैसे कुछ शयूं खाधी हुई थी मिसाल गोरियूं वगैरह या पुराना हकीम जैसे कख वगैरह खाइबा कुछ दवाओं पी पी वन इलाज बिल दुखान दुहें जैसे के स्टीम चंदा मसाला बाप वट भी आ कुछ इलाज जन बाप के जरिए कुछ इलाज जन खाने के जरिए कुछ इलाज जन सुंघण के जरिए कुछ इलाज पीण के जरिए चवंदा एकड़ो इलाज है इलाज बिल मस एकड़ो इलाज इलाज बिल मस इन इलाज बिल मस के किए समझो चवंदा केड़ा न पत्थर जकड़े दिल की धड़कन बधी बने सीने सा लायो धड़कन बरकरार जकड़े के जो बीपी वधी वने कुछ पेण थर एड़ा न उने हथ जी तरी ते रखो पंजी चाय ते अची वने इन मतलब इलाज बिल मस यानी अगर दुनिया के जरूरत हो जे तो दुनिया फला दवा छा चादर ज़हरा जो मकाम पैगंबर के सो बजे चादर मस ते पैगंबर जी कमजोरी दूर करे फातिमा जी जी चादर मुस्तफा जो ज़ोर खत्म करे शहजादी जो मकाम में मरतब हो जाए जैसी चादर मेरे कमा और कमा आका दादी
वो मकाम मर्तबो रखंदड़ खातून छा मरालो छा हकीकत आ सैयदा जी खुदा केतरा कमालात अता कयन साहिब फरमाइन था चादर जो मकाम यो अस हैसियत याद अस जेकर पैगंबर कायनात जो रसूल जेके पान खुदा तो जे लौला कलमा खलकतुल अफलाक ए मुजे हबीब अगर तो के खलक करन मकसूद न होजे हा कायनात जो जरो जरो जेको बनायो त यो बनाया न हा यो जेको कुछ बनायो त यो तो जे लाए बनाया लेकिन जने जनाब सैयदा सलाम अल्लाह अलैह जो वजूद है बा कमाल वजूद आ खुदावंद आलम पैगंबर इस्लाम के उन जमाने में जिब्रील के जरिए से बशारत तो दे चवंदा वो जमानो जे जमाने में मानु तानो धान तान बे नस्ल रह जी ने तुजी नस्ल काने का अबतर आई तुजी औलाद में कोई बाकी कोने को हन केर न रहवा गौर कंदो पैगंबर इन ताने ते पैगंबर इन लफ्ज के बावजूद न अबू जहल से जेड़ो कयो न अबू लहब से जेड़ो कयो न आस बिन वाइल से जेड़ो कयो अगर रसूल विड़े हा त कई तारीख में चे उन अबतर चयो रसूल इन अंदा से गालायो रसूल न गालायो खुदा गालायो इन मतलब खुदा सच्चाई बचाए याद रखो जने मुझे हबीब से को हर बीदो नबी न गालाइदो मां जरूर गालाइदो मुझे हबीब के तकलीफ आई मां जरूर गालाइदुस यो हबीब ए खुदा जो रातो इकड़ो एड़ो जेको जदो नबी के गालाइदो तब विच में इंदो साव खुदा के गालाइदो तब विच में इंदो साव खुदा ए नबी जो पान में फैसलो जेको अली जो दुश्मन आ मुसबा जो दुश्मन आ खुदा रे बुला बिन जे दरमियान मो आयो अबतर पैगंबर अबतर औलाद काने बेनसल ये ताना थाया उन कायना जे रसूल के फरमाइंदा जदे इन एतबार में दिल ते एकड़ी शय महसूस थी थे अजी बोझ खणी कायना जे रसूल इबादत तो करे फरमाइंदा खालिक जो जिब्रील करीब अची जेसो खालिक तो ते वल सौ फयुती कर रबुक फतरसा ए मुजा हबीब अन करीम तो के एड़ो कुछ अता कर तू मुखा राजी थी मुके तो जी रिजायत गोजे मां चाया तो तू मुखा राजी थी कायनात में आदम दिसो नूह दिसो इब्राहिम दिसो मूसा दिसो ईसा दिसो यानी आदम का वठी करे ईसा तई सब नबी प्या जन तो खुदा राजी जे खुदा चाहे तो मुका मुस्तफा राजी थी छा पे चाहे मुका मुस्तफा राजी थी मुस्तफा ने मकाम गौर कर जनाबे पैगंबर इस्लाम के चयो पे वने अन करीब तो के वो कुछ अदा कर दो सयुतीक अन करीब वो कुछ दो साईं फरमाएं दा छाड़ी दे तोहफो दिनस योती कर रब का फतरजा एड़ो कुछ दिनो साईं तू मुखा राजी थी वने सीगो मुजारे जो इस्तेमाल कई खिताब जी जमीर आनी अन करीब तो के वो कुछ दिनो जो तू मुखा राजी खुदा राजी कर पे चाहे छा दिंदो तोहफो सी नहीं सीन का पो मुजारे मरकाब जी खिताब जी जमीर ताकीद सा जुमलो थी अन करीब वो कुछ दिंदो साईं तो तू मुखा राजी थी दे एड़ो अजीम तोहफो जो खुदा जी रिजायत खुदा का मुस्तफा राजी थी दो तोहफो एड़ो अजीम आ तवज्जो केड़ो तोहफो अजीम आ जो खुदा का पैगंबर राजी थी दो अर्ज कर तारी खिदमत में बुधवार को अड़ो हो जो हैदराबाद में यो ऐलान करते सुबाने मैं ऐलान तो क्या मौली साहब मजलिसू पढ़ा सारे इलाके में साई के साथ तोहफा दींदा फला फला उलमा दाकर मोमनिन वा जो नाले वारा ये सब अफराद घुरा उनके सामू में साई के तोहफो दींदस यो ऐलान मुझे गोट तीन पहुंची वो यो ऐलान गोट तई पहुंची ऐलान कर साई के तोहफो दिनों वो एतरा बुजुर्गवार सब कुछ घुराए उलमाकरीन मोमनिन सभी के घुराए उन दरमियान में तोहफो दिनों वो महीने का बाद मैं घोट पोत साई साई कि बोला तला ऐलान थो फला हैदराबाद शहर में उत कें मोमिन ऐलान किया नाले वो मू हो ए शहर में शोहरत रखे पो ऐलान कर साई जिन के तोहफो दींदुस ये तक तोहफो मिले दिखारे तो सही मत कर घड़ी हुई वो घड़ी जैसे दिखारी वही तो उन्होंने सही यो तोहफो दिनों अखबार में भी ऐलान मोमिन में भी ऐलान वा वा मोमिन घुरा यो तोहफो मुझे सही
छात्यो जिया 150 रुपए में असाने शहर में मिलंदी या असाने शहर में या मिलंदी इनो मतलब देण वारो जेको वो पांजे मुताबिक शै नी दो अच्छा जे कदे देण वारो को नंदड़ो तो बोले वठण वाले जी तो ही ना है देण वाले जी तो ही ना खुदा जी तो मानी दो जो तू राजी थी दे एड़ो कुछ नी दो जो तू राजी थी दे खुदा न को हौज निनवा न का नहर निया खुदा जे तो आए मुझे हबीब तो के फातिमा तो ने एड़ो मौजूद आ जो तू राजी थी बोले फातिमा छा तो ने एड़ी नस्ल तो ने जिका फातिमा है छा नालो फातिमा छडाइण वाली फातिमा बख्श बख्शिश कराइण वाली फातिमा वो जात है जिका छडाए जिका जुदा करे इमाम अली मुसलात वसलाम का पुछण रे पुछ मौला अमा जी दादी जो नालो फातिमा छो फरमाए इन जे करे जो मकाम माशर में जने आजादार जने गुनाहगार मुजी दादी सा मोहब्बत रखण वाला मकाम महशर में पुनेदा उन जे चेहरे ते लिखे हो हाजा मोमिन फरमाएदा अगर गुनाहगार होला मुजी दादी उन के ये चोंडी दी जे परिंदो खराब जानवर सुठा दाना चुने बठलो और नालो रखे हो फातिमा लेकिन जने जिंदगी ते ता निगाह विझो अली अमीर जे घर में अचण का पहरी या मौला जे घर में अचण का बाद में जिंदगी ला रहे बा पैगंबर सा का ख्वाहिश ना है गौर करो पैगंबर सा का ख्वाहिश ना है खुद जनाबे खतीजा दे जमाने में जने खतीजा सलाम अलैहा हया का आका दादी जी उम्र मुबारक 2 साल है चवंदा मानू कुछ औरतूं अचन जो असानी शादी है अवानी न्याणी अवां अचो फरमाइन त मूं वट को खास जेवर कोने को मुझी धी आए लेकिन मां पानी धी के किए छ ना एतरा अरबन जो औरतूं इंदी ने नट भला भला जेवर हुंदा अस सब इस्लाम ते खर्च दा कर मु सब कुछ बने इस्लाम ते लुटायो ए गौर करो अगर सैयदा सिद्दीकतुल कुबरा जी अम्मा खदीजा जी दौलत न हो जिया तो शायद इस्लाम अज नजर ना चिया आजान बचिया ते हन जे करे नमाज हन जी दौलत ने करे मस्जिद हन जी दौलत जे करे बार जनाबे फातिमा बिनत मोहम्मद करीब जे ते अमा न घबरा अगर जेवर ना है तो का गाल कानेगा फातिमा वट अजीम जेवर आ फरमांदा पुट केड़ो फरमांदा मुझे बाबा चवा और जो सब का वट जेवर हया है तो फातिमा वट मौजूद है 2 साल की उम्र मां जे घर में पी जे घर में या रही फरमांदा बाबा दी खिदमत नंदा सकी जो पैगंबर इस्लाम जड़ी हस्ती के चण दो अंत उम्मे अबिया फातिमा तू मुझी धी न बल्कि तुम्हारी मां है जेका मुस्तफा जी मां जेका मुस्तफा जी असल जेका मुस्तफा सलाम अल्लाह अलैहा हकीकत है उन जात जो नालो फातिमा है जनाब अमीर जे घर में थी जे गौर करो बुजुर्गवारन लिखंदा जनाब अमीर जे घर में अचण का मौला कायनात दिसंदा जनाब फातिमा फला कम पर घर जा तमाम कम खुद सर अंजाम थी दे जने कम थी सर अंजाम देन जनाब अमीर करीब जी तो ये फातिमा ए हसने दिया मामा महसूस तो कह वो थक जी दी पाई ये सब कम सर अंजाम नी दे महसूस तो कहवा कि कमजोरी लाग थी थे वो ज़ईफ थी ता ते तारी थी वने वो थक जी दा हो जनाब फातिमा जो ना या अली मैं थका ना थी सब कुछ जिम्मेदारी मन हसने मुझी जिम्मेदारी है हमारे घर जी हमारी खिदमत मुझी जिम्मेदारी है फरमाए भलो ना है पैगंबर इस्लाम की खिदमत में वनी आका को पने बाबा को नौकरियाणी तलब करो ताकि अध कम हो करे अध कम ता कयो फातिमा पान न थियो ने हता के मुतालबो जायज आ जायज मुतालबा फातिमा न थियो ने ए बीबी जायज मुतालबो छन ता कयो बाबा के चंदो नौकर रे जायज मुतालबो मिली विदो फातिमा सलाम अल्लाह अलैहा जायज मुतालबो न थी करे जुमलो जा जेका बीबी पजो जायज मुतालबो बाबे फातिमा फरमाए न यार फरमाए न मां अली तो चवा मनी घर
मस्जिद आई ना पैगंबर साहबा मशगूल आ गुफ्तगू में मसरूबे गुफ्तगू आका दादी बिठो दरवाजे तो दरवाजे दर अली जो ना जो खुलंदो ही मस्जिद में हो दुनिया जा दर बंद आ फातिमा जो दर मस्जिद में बतूला खुले अंदर आई बिठो बाबा मसरूफा वापस अंदर आई बाबा न मिलो फिर मैं बाबा मसरूफा जने बिठो बाबा मसरूफा मोटी है वाली अमीर पूछे बाबा मसरूफ हो लेकिन पैगंबर इस्लाम जेको चेबो त जदे जन्नत दी खुशबू दी तलब थीनी आ मां फातिमा दे करीबी वा सुंगी दो त जन्नत दी खुशबू ईंदी आ मस्जिद में आई त जन्नत दी खुशबू आई पैगंबर घर आया अंदर अची चंदा फातिमा मां मोट आयो सैयदा जे गलाए का पेरी अली गलायो या रसूल पाण ना आई मां मोकलियो मोहब्बत अल्फत फरमाइंदा आका फातिमा पान ना आई सैयदा के मुंह मोकलियो माने छो फरमाइंदा चाहू पिया तेकड़ी कनी दुरे फातिमा बीबी थकड़ी पोंदा हो बाबा अली हमारे मोकलियो फरमाइंदा थकड़ी पोंदा तो भलो ना है नौकर जी जात को जिक्र बुधाया फरमाइंदा फला तस्बीह अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या तस्बीह पढ़ो तानी थकावट खत्म फातिमा दीदी बाबा मुझे नौकर जी जरूरत ना है खुदा जो जिक्र फातिमा जो वजूद का जिक्र खुदा वजूद फातिमा है तस्बीह परवरदिगार कोर सारी तस्बीह न मफाती पढ़ो हर मास में तस्बीह दी नजर जी पर इन 14 में मेरी का तस्बीह मशहूर हो फातिमा हम गौर करो ये तस्बीह इब्तिदा में अल्लाह अकबर बिन रिवायत में साहिब मैं एकड़ी दर्ज किया फरमाइंदा तस्बीह पे धागन दे दी पढ़ जे धागन दे पढ़ने का बोने में बीवी गंदूरी नहीं और मुख्तलिफ जगह दे इतरा दफा अल्लाह अकबर इतरा दफा सुभान अल्लाह इतरा मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह फरमाइंदा इन्हें का बोचे ने शहीद हमजा सैयद शोदा की कब्र की मिट्टी खड़ी बीबी और मिट्टी और एक तस्बीह दी टाई तस्बीह राय थी दी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर दुनिया तस्बीह थी पढ़े तस्बीह तस्बीह फातिमा चवंदा एक डिग्री का पोज ने सैयद शोदा जो फर्जन जैनुल आबदीन मोटियो आका इमाम जैनुल आबदीन या तस्बीह ठाई सैयद शोदा ने कब्र की मिट्टी सा जने तस्बीह ठाई इमाम सादिक की खिदमत में गुणा मोमिन आयो ची मौला बई सैयद शोदा एक जो नालो हमजा है एक जो नालो हुसैन आ बिन जे कब्र की मिट्टी की तस्बीह आ अफजल कहरी आ कि मुझे दादे की तस्बीह मुझे दादा दी तस्बीह छो मुझे मौला फरमाना इन ने करे चाचे हमजा जी तस्बीह अगर पढ़ लो जैसी ते पढ़ो ता तस्बीह जिक्र करदी आराम करदो तस्बीह बंदा बाबा हुसैन जे कब्र जी मिट्टी जी तस्बीह ता पढ़ो ता इबादत आए ता निंड पे भेजी दो तस्बीह जिक्र करदी रहंदी तस्बीह में कमा तस्बीह सैयद ज़हरा इब्तिदा में फौरन ते थी पढ़ जे अंग्रेज ने फौरन ते पैगंबर इस्लाम फरमाइंदा जेको शख्स फातिमा जी या तस्बीह पंजे हथ दे फौरन सा पढ़दो अगर गुनाहगार दो कब्र अंधेरे वाली हुंदी खुदा ने फौरन मां नूर सादो करे कब्र दे रोशन करे जेडी तस्बीह जो मिला माशा अल्लाह अमीर कायनात दे घर रसूल खुदा दा जन गौर करो जनाब सैयद शहदा जी अम्मा सैयद शहदा जो बाबो हुसैन जो बाबो जनाब अमीर मोमिनीन बई झंडदार हैं असल में अगर असा पने घरन में जनाब सैयदा जी सीरत जनाब अमीर जी सीरत अगर बुधायूं आज भी असा ये तमाम शयूं जे करे पने घरन में सैयदा जो जिक्र दिला जरूरी ना जो 500,000 जो को मजमो हो जो हजारन जो मजमो हो जे सैयदा जो जिक्र ते फरमाइंदा ना बजणा वे हो तो जिक्र सैयदा जी आया में फातिमिया में मजमो ना है घना अपराध ना है कचहरी ना है बधियो सामू यार इन मिर के हिजाब सैयद अबुदा यो मिले से सैयद जिक्र सैयद अबुदा जनाब अमीर को पंज जोजा के बुदा ने फातिमा हन मिजाज में जनाब पैगंबर इस्लाम अंदर पेरे कदम रख डटो एकड़े पास जंडर अली पे हलाए बे पासे फातिमा जंडर पे हलाए पैगंबर करीब अजी जतो ता बिन मजा थको केरा ताबिरन वजो थकजी केर पियो अली पेरे गला के या रसूल अल्लाह फातिमा थकरी वजा उन जाए ते कायनात जो रसूल तो वे रसूल वे अन का बाद जंडर तो आला है जदो फातिमा वो कनीजे खुदा है तो खुदा मु के मामूर करवा गौर करना मदा निजामत तमाम गया
कुल्लमा जात जने जने फातिमा दिए जे फकाम रसूलुल्लाह इलैहा जने जने फातिमा वट फातिमा पैगंबर वट दिए जे कायना जो रसूल थी तो भी है रुको थे न तो फरमाइंदा उठण का पो इलैहा कायना जो रसूल कदम खणी फातिमा दे अगते तो वदे अगते वधण का बाद फातिमा जो हथ तोड़े कब्बल यदैहा हथन दे बोसा तो रे व कब्बल बैन आइनैहा बिन अखिन जे दरमियान पेशानी जे बोसो तो रे व अदलस हाफी मजलिसे इति तो विहारे जिते कायना जो रसूल पान वेंदो चवंदा सुन्नता पैगंबर जो हर अमल फेले मासूम फरमाइंदा तकरीर मासूम अमल मासूम ये तमाम छाइन फरमाइंदे सुन्नतू हन अगर सुन्नत आ पुछऊं फातिमा जला छोथो ते चवंदा कायनात रसूल पंजी धी कायनात जे मर्दन के धी जो मकाम बुधायला कायनात रसूल दो ते मुचो अगर धी जो मकाम बुधायला उथे पियो तो असा सबे ते सुन्नत आ धी अचे त असा उथऊं पर असा ता न थाओ तो कायनात जो रसूल उठे दो अगर असा न थाओ तो असा ला सुन्नत ना है कायनात जो रसूल दे दो सबब छाए तू जो न उठण कायनात जो रसूल जो उठण उठाए पे तो न तू रसूल जेड़ो आ न तुझी भी बतू न जेड़ी आ फर्क आ सुभान अल्लाह इगनी 20 दफा सैयद अंदर आई बाद लिखन दा 15 दफा साण 15 दफा पैगंबर जे घर आई एक शख्सियत जी मौजूदगी में उन शख्सियत ने लिठो फातिमा जले 15 या 20 दफा जदे फातिमा आई पैगंबर थी भी रहयो वरी फातिमा आई वरी पैगंबर थियो आवाज कजी या रसूलल्लाह धिया 15 दफा 20 दफा या त हर दफा न उठो पैगंबर दा खबरदार तोके खबर मां थोड़ी दोदा उन जो हुकुम तो दे मुनी कनी थी जो थी सकवाल मिजाज फातिमा इज्जत फातिमा वकार फातिमा ख्वाहिश ना है जैसे शादी थी हुई अमीर कायनात से पैगंबर के हथ में हथ रही करे फरमाई या अली मुझे धीरे पारत हो जाए अली के पारत नहीं फातिमा नहीं फातिमा के पारत नहीं मुझे अली भाई अड़ो तकादो न कजा जो अली करे पूरो न कर सके अली अमीर सारी जिंदगी चाहो फातिमा कुछ तो चाहो या अली मैं छा चाहूं मुके के शेडी जरूरत काने का मैं जुमला तब्दील कया मुमकिन आका दादी अजम ना है चौंदी जी जेके हसनैन जेडी औलाद हो जी जेके अली जेडो घरवारो मिले जेके मुस्तफा जेडो बाबो मिले फातिमा के जरूरत छाए जन्नत मुझे घर में कौसर मुझे घर में सरसबील मुझे घर में रहमत जो जरियो मुझे घर शफात जो जरियो मुझे घर ते सब कुछ फातिमा वटा मु दुनिया ने तलब ही काने का अली अमीन के से जरूरत है जनाब सैयदा के अली तो चने या फातिमा कुछ तक फरमाइंदा या अली अज दी चाहे दिल चाहे तो दाड़ू मिली पे तवज्जो एकड़ो दाड़ू मिली पे मौलाए कायनात बाजार था मौसम खत्म मौसम कोने को जनाब अली इब्न अबी तालिब बाजार था शमून नाले यहूदी दुकान ते आया दरवाजा तो कुल बाप क्यों खोलियो ने खोलने का बाद चिम दाड़ू तो कबे मौला ता बेहतर जानो था मौसम खत्म थी चुको आ मौसम ही कोने को डाणू जो मौसम कोने किथा डाणू जनाब अमीर यो बदन का बाद मो जिए ही अली अपना अभी ताले फेरायो कोए घरवारी आवाज नो शमून धरते केरा ची अली आयो खातो करे की डाणू ची अली के रोक एकड़ो मोट लिखे लाए एकड़ो मोट लिखे ला अच्छा खणी आया मौला मुनी घरवारी वटी रहलो वठो जनाब अमीर पजी अबा दे दामन मा 10 दिरहम दा कदर दिरहम दे हवाले दा कर शमून चे तो मौला एकलो दिरहम कीमत आ अली फरमाया मैं अली आया मुजो नालो अली आ तुजी घरवारी लिकायो ने करे हो ताके मुके मुनाफो मिले अली कने के जो हक खाइदो ना इरान दिरहम जो सोचो ही अली वही रही है अली दई मौला कायनात वो दई करे हल्या ना दिठूं एकड़े वण जे करीब एकड़ो मरीज बीमार टेक दिन लेटो पे पर आऊं तो भरे या अल्लाह मेरी तबीयत या अल्लाह मुसा ही हेड़ दर्द आ हे दर्द आ जनाब अमीर कायना यानी जेको अली सुबह शाम यतीम पाली दो जे जेको अली मिस्कीन जी दाह न बुधी सके जेको अली
मिस्कीन जो पालन वारो यतीमन जो पालन वारो वो अली जने गुजरियो इन बीमार जी दा बुधी अली करीब जी वारन दे तर की चतो ए बंदे खुदा खैर दाए जिसे मां बीमार हूं अमीर चंदा को मुंह में कम मत ही जेकड़ा को कम मा तो हुक्म कर चतो ए काश मुके दाड़ू मिली पया मुनी तबीयत बहार दी फातिमा जिंदगी में ख्वाहिश नहीं करे अजब सैयदा ख्वाहिश ना है कहीं अली जे चमन ते फातिमा घुरियो ख्वाहिश फातिमा ना है खुद अली जे कौल जे मुताबिक सैयदा चंद हा दारू जो दिल तो जे दारू मुझे अमीर के जी काश दारू मिली पे तबीयत बहाल थी एवं चंद दारू तो मोड़ एकड़ो आ वरतो मां बु पांजे मरीज जे लाया लेकिन हाँ तू को मरीज ही अली खान दान के जी बुद्धि कान दी देन अली अमीर उन्हें अध करे अध रुमाल में ली रखियो अध जा अली दाना कढ़िया एक एक दानो कढ़ी अली अमीर रखी इनके खारायो पने हथन सा जने अध दान अली खाराए चुको चंदा जो को बीमार हो जो को दाऊ पे करे जो को रणियो पे करे तबीयत में बहाली आई दारू में शफा वरी अली के हथ ते निकल दाना तबीयत बहाल थी कि मी का खाए जे जी काश अदबियो मिले या काश अदबियो मिले अली तो वो जे को जंग में कुछ घुरियो सदे हालत अमन में आली जी अदब वठ जने अली सजो रही चुको अली घर आयो महसूस कई घर अंदर किए वना फातिमा घुरियो न होयो मुझे चमन दे खाइश जाहिर कई खालियत वना अली अमीर काफी देर का बाद दर खोले जी अंदर आयो डिटे सीनी प्यान वे उनन सीनिन जे अंदर दारू प्यान जनाबे फातिमा ने मौके जी फातिमा एक थाया जी अली तमा निकतो थोड़ी देर का बाद को मर्द अरब आयो जी अली मोकलान अली मोकलान एक दारू ना है कई दारू पैगंबर आया या सही दारू आया जी तो के खबर आ तेरे तो राह है खुदा मेरे नो अल्लाह चे और जिब्राइल जल्दी कर फातिमा सिद्दीका ख्वाहिश है फातिमा है खुदा सिद्दीकतुल कुबरा ना लो बारगाह खुदाबंदी में दुआ गुआ मालिक कायनात असा जी इबादत पनी बारगाह में कबूल है खुदाबंदा जे के मोमिन आजादार हाजिर थियान सैयदा जे वजूद जे सदके मुना मालिक ने जो दुआओं कबूल मुना मालिक अहल बैत के वास्ते मौलाना मोहम्मद अली साहब साईं गुरुवार अकले साहब जी ब्या जे के दोस्त बुजुर्गार उन्हें जो मुश्किल मुसीबत कड़ा कड़ा तकलीफ उन खुदा अहल बैत के सदके मुना मालिक जे मोमिन परेशान मालिक परेशान दूर बानियान जशन जो मरहूमिन उनकी मगफरत उन्हें दर्जात आली के मुताली कर दुनिया की कैल कमिन कोताइन के दर गुजर उन मालिक सैयदा जी सदके असानी माओन भेड़न जा परदा सलामत कर असानी न्याणियों के जनाब जारा जी सीरत हलणी तौफीक मुझा मालिक अहल बैत जो जिक्र बुधन समझण उन ते अमल करनी तौफीक अता फरमा दुनिया या आखिरत में बेहतरीन रिस्क अता फरमा मुझा मालिक इन मस्जिद के इमाम बारगाह के ता कयामत आबाद फरमा जेके दोस्त आबा बुधवार इन मस्जिद दी खिदमत कंदा मुझा मालिक हर एक दी खिदमत कबूल फरमा मुझा मालिक जेके बीमारन बीमार करबला जो वास्ता मुझा मालिक हर एक के सेहत अता फरमा मुझा मालिक अहल बैत रे वास्ता सा सबनी के मरण का पहले इमाम हुसैन के कब्र की ज़ियारत नसीब आखिरत में अहल बैत की शफाअत नसीब मैं जशन में जे बुजुर्गवार जे की खिदमत कईया दामे दरमे सुखने खुदावंद हर एक जी खिदमत मरी बारगाह में मुस्तफा मुझा मालिक अहल बैत री इज्जत अज़मत वास्ता असा सभी की तौफीकात खैर में जाए जितना बुजुर्गान मुझा मालिक सेहत सलामती होता मुझा मालिक अहल बैत सदके जिथे जिथे आकादादी जो जिक्र थे तो मुझा मालिक हर एक मोमिन के आबाद शाद करार घर बरकत नजूर दुनिया में मुश्किल आसान फरमा मुझा मालिक अहल बैत वास्ता असानी नस्ल में आज़ादारी इमाम हुसैन की जारी खुदा मंदा अहल बैत वास्ता मुझा मालिक असा सभी के अखलाक हुसना से मुजयन फरमा मुझा मालिक इल्म मोहम्मद वालिम हासिल कर अमल करनी तौफीक अज जशन में यकीन खैरात वंडी वी जिथे ब
वे घरान जो खुशू थी यकीन फातिमा वह हस्ती जैसे विलादत खुद खुदा खुश आ पैगम्बर इस्लाम खुश आ जमाने जो इमाम खुश आ एतरी अजीम हस्तियों जैसे अचान से खुश सभी की बारगाह में चुता मुझा अल्लाह असा सभी की झोलन के पुर फरमा जी अस मुश्किल आसान फरमा खुदावंदा तो वास्ता मोहम्मद अस जुमला दुआ मुस्तजा फरमा अहल बैत के सदके साईं जी दुआ के पानी बारगाह मुस्तजा जी दुआओं मुझे जिम्मे कबूल मुस्तजा फरमा न्याणी बीमार खुदावंदा जनाब सैयद आज वास्तव के सेहत अता फरमा बुजुर्गान जी अहल मुझे माल घर के अचान वेह समात कर बारगाह मुस्तजा जमाने के इमाम के असर राजी खुश मुझे मालिक अहल बैत वास्तव इमाम हुसैन के सदके अस पाबंदी से पंज वक्त नमाज पढ़ी तो कुरान मजीद के तिलावत की तौफीक अता फरमा सीरत आयमा तार पढ़ने की तौफीक अता फरमा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा अस इमाम के आवान अंसार में शामिल फरमा बानिया ने जशन जो मरहूमन उन्हें सभी के ईसा दिलाए सूरह फातिहा।